शिकारपुर का टिकट पकड़ो बाबू, जल्दी से शिकारपुर। नहीं जनाब कोई पड़े, किसे की मतलब ये किसे की बाण बेटिया के लिए कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, ये इसका मतलब तो ये हो गया। तो ये हो गया पहलवान जी, मैं सवाल नहीं आते क्या उसमें? चलिए हमें आपने कहा जाइए, ये देखो भाई शिकारपुर क्षेत्र में अपने घर का आदमी, चल चल ये देख लो भाई, जंतर मंतर के बाहर खड़े थे ये, था वो अपना बयान दे रहे थे। साहब जी क्या दिक्कत होगी जी? हाँ जी क्या दिक्कत होगी जी? ठीक है ना, और ये अपनी भाईबंदी वाली बात है, यहाँ पे रुकना मत कहीं। आपकी पुलिस लाइन खत्म हो जाएगी, हम अपने आप खड़े नहीं, ठीक है, हम यहाँ खड़े खड़े मत हो। नहीं नहीं, शिकारपुर का टिकट पकड़ो बाबू, जल्दी से शिकारपुर। नहीं जनाब कोई पड़े, यहाँ पे कुछ भी करोगे जंतर मंतर के आसपास विदाउट परमिशन, यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाए। प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं रहे जी, ये तो बोल रहे हैं प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है, व्हाट इज दिस? ये प्रोटेस्ट नहीं तो क्या है? नहीं ये कल धरना प्रदर्शन उठ गया तो फिर किसकी सपोर्ट में है? वैसे जबरदस्ती अपना बयान दे रहे हैं जी, मीडिया अपने मीडिया की ड्यूटी भी होती है, आपकी आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मीडिया अपनी ड्यूटी कर रही है जी, मीडिया भी तो अपनी ड्यूटी कर रही है, आप कर रहे हो तो ये देख लो भाई किस तरीके की तानाशाही दिखाने लग रहे हैं, प्रॉपर तानाशाही। जजमाना गए पड़े है, ये सारे है वही देख ले तो अभी कुछ ये बात। नारे नूरे लाव थे, नारे कविता चल रही थी। अच्छा कविता चल रही थी तो कविता के माध्यम से किसी का मतलब थप्पड़ मार देना है तो भी नहीं कह सकता कि ने मेरा थप्पड़ मारा। अच्छा यहाँ तो यो काम हो रहा है कि सांस लेने पे भी प्रतिबंध लगाना, सांस लेने पे रेल लेट कर दी है, यो देख लो क्या काम हो रहा है। अरे इसका मतलब तो ये सरकार की उसकी गेलिया से एक मिनट सुनो, किसे की मतलब ये किसे की बाण बेटिया गेलिया कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, ये इसका मतलब तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया पहलवान जी? पुलिस वाले नहीं आते क्या? पुलिस वाले नहीं आते क्या? पुलिस वाले देखी भी, एक आड़े खड़ा था एक बड़ा बेचारा आदमी, आराम से शराबत हाथ जोड़े उसने, और देखो यो वो बीपी सिंह मारे थे, चलो कितने चलोगे, चलो जरा बाप भी मारे, माँ बाप हम चलन तो थोड़ा ना मना करे, चलो खाने चलो धरना था, उठ गया पहलवान था, उठ के चले गए, उठ के चले गए, डिटेन कर रखे हैं, डिटेन कर रखे हैं, आगे से ठा रखे हैं। यानी आप देख सको भाई जंतर मंतर का बिल्कुल बाहर खड़े थे ये, और एक जो बुजुर्ग था वहाँ काफी देर तक बस अपनी कविता है कविता ही कर रहे थे, और 8-7 पुलिस वाले उसने भी जबरदस्ती उठाए के ले जाने लग रहे थे, लेकिन जब मीडिया के सारे साथी पहुंचे तो भाई उन्होंने छोड़ दिया। यानी प्रॉपर तानाशाही देख सको आप, तानाशाही देख के कहना चाहोगे जी? जिस तरीके से आप कई देर तो देखो तो ये ताऊ जी हैं अपनी कविता सुनाने लग रहे थे ना, कुछ गलत बोल रहे थे, सुना रहे थे जबरदस्ती, कोई गलत भी नहीं बोल रहे थे या कोई भड़काऊ भाषण भी दे रहे थे, बिल्कुल नहीं देश के, और जबरदस्ती पुलिस वाले मतलब 8-7 उठाए लेके, तो के लागे तानाशाही है? बिल्कुल तानाशाही है जी, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। आप देख लो मतलब यो हाल हो रहा है, यानी माहौल ऐसा बना दिया, समझ नहीं आ रही। शेयर करियो भाई वीडियो ज्यादा ज्यादा, अपने सोच विचार भी दियो आप।